आज भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ देश के 27 शहरों में मेट्रो का ऑपरेशन एवं निर्माण का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस पहल से पिछले 8 वर्षों में तकरीबन 650 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल हुआ है। वर्ष 2014 में जहां मेट्रो का ऑपरेशनल नेटवर्क 248 किलोमीटर था, आज बढ़कर 824 किलोमीटर हो गया है तथा 1010 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क अभी निर्माणाधीन है। भारत आज मेट्रो संचालन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। आज भारत न केवल मेट्रो कोच का स्वयं निर्माण कर रहा है, बल्कि अन्य विकसित देशों में इनका निर्यात भी हो रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। देश की तरक्की के लिए जरूरी है विकास की तेज रफ्तार। इसी विजन के साथ 21 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो के फेज 1 की आधारशिला रखी गई थी। आज भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर नागपुर वासियों के लिए मेट्रो के 13.5 किलोमीटर का विस्तार कर रही है, जिससे नागपुर मेट्रो फेज 1 के संपूर्ण 40 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क आज पूरा हो गया है। जब भी आपका कार्य पूर्ण होगा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, नागपुर की जनता के आशीर्वाद खुद आकर के ले लूंगा। विश्व स्तरीय सुविधाएं, आधुनिक डिजाइन और उत्कृष्ट कला संरचना से सुसज्जित इस बेहतरीन परिवहन प्रणाली में प्रतिदिन 75,000 नागपुर वासी यात्रा कर रहे हैं। ये मेट्रो नेटवर्क शहर के व्यावसायिक, रिहायशी, शैक्षणिक संस्थानों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि को जोड़ेगा। इससे शहर में सड़कों पर भीड़ में कमी आएगी, साथ ही प्रदूषण की समस्या से निजात भी मिलेगी। वर्धा रोड पर स्थित 3.14 किलोमीटर विश्व के सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है। नागपुर मेट्रो के आगामी द्वितीय चरण में 43.8 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 32 अतिरिक्त मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसकी अनुमानित लागत 6,708 करोड़ है। ऑरेंज लाइन को खापरी से बूटी बोरी इंडस्ट्रियल एस्टेट और ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह एक्वा लाइन को प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर और लोकमान्य नगर से हिंगना इंडस्ट्रियल टाउन तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 6 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नागपुर मेट्रो फेज 1 के संपूर्ण परियोजना का लोकार्पण और फेज 2 के शिलान्यास के शुभ अवसर पर सभी नागपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।